स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन एक्टर रजनीकांत जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूवर्स, इन्होंने ज़्यादातर तेलुगू और तमिल और मलयालम कन्नड़ लैंग्वेज में मूवी बनाई। इनकी डेब्यू मूवी आई थी तमिल लैंग्वेज में, इसका नाम था अपूर्वा रांगांगल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। हिंदी लैंग्वेज में की डेब्यू मूवी आई थी 1983 में, इसका नाम था अंधा कानून। इसको टी रामारी राव जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना राय, माधवी, अमिताभ बच्चन, असरानी, ओम शिवपुरी, प्राण, डैनी डंजम्पा और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी का बजट था 2,20,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 5 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 10 करोड़ की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। इनकी अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था जीत हमारी। इसको आर त्यागराजन ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, राकेश रोशन, अनीता राज, रंजीत, मदनपुरी, शक्ति कपूर, ओम शिवपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में, इसका नाम था मेरी अदालत। इसको एटी रघु ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, जीनत अमान, सोनिया साहनी, श्रीराम लागू, मोनिश बहल, कादर खान। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी गंगवा। इसको राजशेखर जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे रजनीकांत, शबाना आजमी, सारिका, सुरेश ओबराय, कादर खान और अमरीश पुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। व्यूवर्स, इनकी अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था जॉन जॉनी जनार्दन। इसको टी रामाराव जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, पूनम ढिल्लो, रति अग्निहोत्री, उत्पल दत्त और कादर खान। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1985 में आई थी, जिसका नाम था महागुरु। इसको SS राघवेंद्र ने डायरेक्ट किया था। इसमें रजनीकांत, श्रीदेवी, मीनाक्षी शेषाद्री, निरूपा राय, राकेश रोशन, कादर खान, गुलशन ग्रोवर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बेवफाई। इसको आर त्यागराजन ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, मीनाक्षी शेषाद्री, उर्मिला भट्ट, विजय अरोरा और प्राण। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी वफादार। इसको दासारी नारायण नाव ने डायरेक्ट किया था। इसमें रजनीकांत, पद्मिनी कोल्हापुरे, विजेता पंडित थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी गिरफ्तार। इसमें रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, कमल हासन, माधवी, पूनम ढिल्लो थे। इस मूवी को का बजट था 1,78,00,000। इस मूवी ने 7,50,00,000 की कमाई की सुपर हिट रही। अगली मूवी 1986 में आई थी भगवान दादा। इसको जे ओम प्रकाश ने डायरेक्ट किया था। इसमें रजनीकांत, टीना मुनीम, श्रीदेवी, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, परेश रावल थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी असली नकली। इसको सुदर्शन नाग जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें रजनीकांत, अनीता राज, राधिका, शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक कुमार, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, राकेश बेदी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। रजनीकांत जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी दोस्ती दुश्मनी। इसमें रजनीकांत, जितेंद्र, पूनम ढिल्लो, किमी काटकर, भानु प्रिया, ऋषि कपूर, कादर खान थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1987 में आई थी डाकू हसीना। इसमें रजनीकांत, जीनत अमान, राकेश रोशन, रोशनी थे। इस मूवी का बजट था 1,87,00,000। कमाई की 3,10,00,000 की एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में थी इंसाफ कौन करेगा। इसमें रजनीकांत, धर्मेंद्र, जया प्रदा, माधवी, बिंदु, गुलशन ग्रोवर थे। इस मूवी का बजट 1,30,00,000 था। कमाई की 5,80,00,000 की ओर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में थी उत्तर दक्षिण। इसको प्रभात खन्ना ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, भारती, ललिता पवार, अनुपम खेर, कुलभूषण खरबंदा और परेश रावल। ये मूवी बॉक्स ऑफिस से में हिट रही। अगली मूवी 1988 में आई थी तमाचा। इसमें जितेंद्र, रजनीकांत, भानुप्रिया, अमृता सिंह, किमी काटकर, सुमित सहगल, अनुपम खेर थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1989 में आई थी भ्रष्टाचार। इसमें इन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में चालबाज। इसमें रजनीकांत, सनी देओल, श्रीदेवी, अनुपम खेर, रोहिणी हथंगड़ी, शक्ति कपूर थे। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी गैरकानूनी। इस मूवी लीड कास्ट में थे रजनीकांत, श्रीदेवी। इस मूवी का बजट था 2,28,00,000। कमाई की 5,90,00,000 की हिट रही। अगली मूवी आई थी 1991 में हम। इस मूवी लीड कास्ट में थे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, किमी काटकर, शिल्पा शिरोडकर, दीपा शाही, गोविंदा, अनुपम खेर, डैनी और कादर खान। इस मूवी का बजट था 4,00,00,000 रुपए। इस मूवी ने कमाई की 9,25,00,000 की और दुनिया में 16,75,00,000 की कमाई को सुपर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में थी फरिश्ते। इस मूवी लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, रजनीकांत, श्रीदेवी, जया प्रदा, बीना बनर्जी, राजेंद्र नाथ, कुलभूषण खरबंदा, सदाशिव। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में थी खून का कर्ज। इसको मुकुल एहसाना ने डायरेक्ट किया।
था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, विनोद खन्ना, संजय दत्त, किमी काटकर, संगीता जिलानी, डिंपल कपाड़िया, सुषमा सेठ, शक्ति कपूर, कादर खान। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी फूल बने अंगारे, इसको केसी बोकाड़िया ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, रेखा, बिंदु, आलोकनाथ, बीना बनर्जी, शफी नामदार, चरणदास, प्रेम चोपड़ा। इस मूवी का बजट 2,15,00,000 था, कमाई की 6 करोड़ की ओर हिट रही। अगली मूवी आई थी 1992 में त्यागी, इसको भी केसी बोकाड़िया ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, जया प्रदा, सुजाता मेहता, भाग्यश्री, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, कादर खान। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1993 में आई थी इंसानियत के देवता, ये भी केसी बोकाड़िया ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजकुमार, विनोद खन्ना, रजनीकांत, जया प्रदा, मनीषा कोराला, वर्षा उसगांवकर, शक्ति कपूर, अजय मुराद थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1995 में आतंक ही आतंक, इसको दिलीप शंकर ने डायरेक्ट किया था। इसमें रजनीकांत, आमिर खान, जूही चावला, रीता भादरी, ओम शिवपुरी और रजा मुराद थे। इस मूवी का बजट 2,65,00,000 था, इस मूवी ने कमाई की 4,28,00,000। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2000 में बुलंदी, इसमें रजनीकांत, अनिल कपूर, रेखा, रवीना टंडन, हरीश कुमार, परेश रावल, कुलभूषण खरवंदा और शक्ति कपूर रंजीत लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 7,40,00,000 की और दुनिया में कमाई की 9,10,00,000 की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। वीवर्स, रजनीकांत जी की अगली मूवी 2010 में आई रोबोट, इसको इसमें लीड कास्ट में थे रजनीकांत, ऐश्वर्या राय, डैनी डंजम्पा। इस मूवी का बजट था 1,150,00,000। इस मूवी ने भारत में 250 से 320 करोड़ की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया। अगली 2018 में आई रोबोट 2, इसको एस शंकर ने डायरेक्ट किया था। इसमें रजनीकांत, अक्षय कुमार, एमी जैक्सन लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 543 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 743,30,00,000। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली 2018 में आई थी काला, इसमें रजनीकांत, नाना पाटकर, ईश्वरी राव और हुमा कुरैशी लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 140 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 567,60,00,000 की और एवरेज रही। अगली मूवी 2019 में आई पेट्टा, इसमें रजनीकांत, विजय सतपथी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एम शशि कुमार लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 1,60,00,000 रुपए। इस मूवी ने कमाई की 204 करोड़ की। कमाई के अनुसार इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। वीवर्स, रजनीकांत जी की लास्ट मूवी 2020 में आई दरबार, इसमें रजनीकांत, सुनील शेट्टी और नयन तारा लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 200 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 247 करोड़ रुपए की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। तो व्यूवर्स, ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी मूवी 2023 में अभी नहीं आई है। तो इनका ये फिल्मी करियर था, इनके बॉक्स ऑफिस में था। इनके कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूवर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो।